गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः To talk on women among the women by a man is a big challenge. And then what will I talk? To my own survival, I will say, you are all good. So instead of going into that kind of approach, let us evaluate scientifically exactly what woman means. और उसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे. जीवन में दो बातें होती है, जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति जिसके कारण अग्नि जलाता है, तो दो बातें हो गई ना. अब इन दो बातों को लेकर के हमारे सभी शास्त्रों में विचार किया गया है. जैसे शिव शक्ति, सीता राम, राधा कृष्ण, दो बातें हो गई. और इसमें एक बात स्पष्ट है, राधा का महात्म्य कृष्ण के कारण और कृष्ण का महात्म्य राधा के कारण. लेकिन क्या राधा का अस्तित्व कृष्ण के सिवा संभव है? आप सबको पता होगा, राधा श्री कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ था. देखो, उनको तो कोई चक्कर नहीं था कि एक पत्नी का व्रत है जो 16108 से शादी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता था, लेकिन राधा जी के साथ उनका विवाह कभी नहीं हुआ. तो ये जो सिद्धांत है, ये बताने के लिए सब बातें शास्त्रों में आती है. तो पहले सिद्धांत समझेंगे, जिसको कहते हैं साइंस, फिर सिद्धांत को जीवन में उतारेंगे, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी. The two words, science and technology. Science gives us the basic knowledge, and technology is application of the knowledge in life. जैसे ये जो law of gravity समझ लो, उदाहरण के लिए न्यूटन ने उसको खोज के निकाला. तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसके लिए उसको डिस्कवरी करते कहते हैं. ही हैज़ टू डू नथिंग, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. अब सवाल ये है, जो है उसका कैसे उपयोग लाया जाए, और उसी लॉ ऑफ ग्रेविटी को लेकर के बाकी सब चीज़ें बनी है. जैसे हवाई जहाज का उड़ना, रेलवे का स्पीड, गाड़ियों का चलना, वस्तुओं का रहना, बिल्डिंग का बांधना, ये सभी का सभी उस लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझने के बाद उसको अप्लाई किया है. जैसे ये अपना जो स्टैंड है, ये स्टैंड कब तक रहेगा ऐसा खड़ा? जब तक कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस स्टैंड के सेंटर में रहेगा तभी तक. जहाँ ये ऐसा टेढ़ा हो गया एक पर्टिकुलर हद तक, तो ये गिर जाएगा. तो हमने क्या किया, यह जो ग्रेविटी का लॉ है उसको हमने अप्लाई किया, जिसके द्वारा अब ये वस्तु ऐसी की ऐसी बिना किसी सपोर्ट के अपने आप खड़ी रह सकती है ना. तो दो बातें हो गई, पहले साइंस माने जो सिद्धांत है उसको हमने सीखा, और दूसरी बात है
इस सिद्धांत को जीवन में उतारना, और जितना सिद्धांत हमारे दिमाग में ठीक से उतरेगा उतना उसका प्रयोग हम जीवन में ठीक से करेंगे। तो फाउंडेशन पक्का चाहिए। जब फाउंडेशन पक्का नहीं होता तो घरों में तू तू मैं तू तू शुरू हो जाती है। एक शादीशुदा लड़की ने मुझे एक पोएम लिखी थी, बहुत पुरानी बात है, अब वो तो दादी माँ हो गई है, 30 years बिफोर आई स्टिल रिमेम्बर द पोएम। उसमें लिखा था कि स्वामी जी, शादी के पहले केवल मैं ही मैं, शादी हुई फिर तू ही तू, फिर कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, फिर मैं तू तू, मैं तू तू, मैं और कुछ साल बीते, और फिर मैं तू तू, मैं इतना जोर से शुरू हो गया, और मैं हूँ गुजराती इसीलिए मैं को हूँ कहते हैं ना, तो हूँ तू 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 हूँ तू तू तू, पूरा जीवन कबड्डी 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 उसी में चला गया। यह जो मैं तू तू का झगड़ा है ना, ये इसलिए है कि मूल सिद्धांत मालूम नहीं है और कुछ नहीं है। इसीलिए पहले हम ये समझ ले कि अपने पूरे जीवन का सिद्धांत क्या है, और फिर इस सिद्धांत को जीवन में उतारना है। ये दोनों को ले लो तो आपको पता चलेगा कि स्त्रीत्व या स्त्री होना, इससे बढ़कर के भगवान की और कोई कृपा नहीं हो सकती। अब कल परसों मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, शायद कल के या परसों के न्यूज़पेपर में, मैं जब आ रहा था हवाई जहाज से, तब किसी एक लड़के ने, आदमी ने, दहाणु में कोई गुजराती आदमी है, उसने दो लड़कियों को मार दिया क्योंकि उसको लड़का नहीं हो रहा था। बड़ी न्यूज़ आई। अब देखो, थोड़ा विचार करो तो पता चलेगा कि स्त्री और पुरुष, शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष बलवान दिखता है, लेकिन आंतरिक जो आत्मबल है, जो मानसिक संतुलन है, जो बौद्धिक विकास है, जितना स्त्री का होता है उतना पुरुष का नहीं होता। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब ये है क्या कि स्त्री अपने श्रेष्ठता को लेकर के पति को या पुरुष को एकदम ही न समझने लग जावे? और ये बातें जब मूल सिद्धांत समझ में नहीं आता है ना, तो जीवन में झगड़ा निर्माण करती है। तो इससे निकल करके जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम पहले इस पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करेंगे। अब देखो, जैसा कहते हैं अपने हिंदू धर्म में कि यदि कोई धार्मिक कार्य करना हो तो जब तक के पत्नी साथ में नहीं होगी तब तक के पुरुष को कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। माने मनुष्य के जीवन की पूर्णता स्त्री के कारण होती है। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे देखो, ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी में अग्नि है, अग्नि के कारण ही इस लकड़ी का आकार है, अग्नि के कारण ही रूप रंग बना रहता है। लेकिन ये केवल अग्नि हमको गर्मी नहीं दे सकता। जब इस अग्नि की ये जो शक्ति है, दाहिका शक्ति, ये जब प्रकट हो जाती है तभी जाकर के ये अग्नि हमको मदद करता है। अब ये दो बातें, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, पुरुष और स्त्री, क्या इन दोनों की कभी कंपटीशन हो सकती है क्या? देखो, कंपटीशन तो बात है ही नहीं कहीं, लेकिन जितने भी झगड़े होते हैं ना, ये कंपटीशन के कारण होते हैं। देर इज नो नीड टू कॉम्पीट। ये बात पहली सिद्धांत की बात है कि हमें इस जगत में जो रहना है ना,
फिर चाहे पति के साथ रहना हो, चाहे पिता के साथ रहना हो, चाहे पुत्र के साथ रहना हो, चाहे ऑफिस में बॉस के साथ रहना हो, चाहे ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट के साथ रहना हो, हमें किसी के भी साथ कंपटीशन करके अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जीवन का टेंशन एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू प्रूव। देखो ये जो अप्रोच है ना, यही अप्रोच हमको दुखी करता है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। तो फिर करना क्या है, अपनी ये जो शक्ति है, स्त्री को शक्ति कहा है, यह जो शक्ति है, अब इस शक्ति का हमको दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। पहला उपयोग क्रिएटिव फोर्स और दूसरा उपयोग डिस्ट्रक्टिव फोर्स, दोनों प्रकार से। अब यह जो स्त्री या वुमन है, यह जो शक्ति है, अब इस शक्ति का दो प्रकार का प्रयोग कैसे और किस अवस्था में होता है, इस पर विचार करें। तो जब व्यक्ति आनंद में होता है, प्रसन्न है, मस्त है, तब वह हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहता है। सी, व्हेनेवर यू आर हैप्पी, व्हेनेवर यू आर चीयरफुल, यू आर ए कंस्ट्रक्टिव फोर्स। और जब जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, दुखी हो, बिटर हो, मेंटल एसिडिटी, कड़वाहट, तो उसमें वही शक्ति जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, वही शक्ति डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती है। देखो तो स्त्री को लेकर के पहला सिद्धांत आज के इस लेक्चर में इसको पकड़ लो। कोई भी घर कैसा है, इसका निर्णय उस घर के स्त्री से होता है। अभी मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं उसको लेकर के, ताकि स्त्री कैसा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है समझ में आएगा। अभी मैं गया था कहीं ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ जिनके घर में रहता था मैं, पति पत्नी और दो लड़के। पति एक कोई बड़े कंपनी में इंजीनियर है, पत्नी शी ऑल्सो मस्ट बी अबाउट 50-52। तो वो उस समय की केरला की यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर में उसको अवार्ड्स मिले हैं। और वो शादी होकर के पति के साथ पहले कुछ साल के लिए स्विट्जरलैंड गई, फिर इंग्लैंड गई, अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए वो लोग। तो मैंने उसको कहा कि अम्मा तुम जॉब नहीं करती, हर एक आदमी इधर में जॉब करता है, तुम ले साम जी नो, आई एम वेरी क्लियर इन माई लाइफ कि जितना ये कमाते हैं उतने में मैं खुश हूँ, आई हैव नो स्पेशल डिमांड्स। और मैं अपना सुबह से शाम तक के जो कुछ करना है बड़ा प्यार से करती हूँ, सुबह उठ करके सबके टिफिन बनाना, दे देना, और फिर मैं अपना घूमने जाती हूँ, हेल्थ का ख्याल करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, ध्यान करती हूँ, और दिन भर में बोले मेरा ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इस लड़के को वहाँ छोड़ा, उस लड़के को वहाँ से ले आए, इसको वो किया, दिन भर मैं गाड़ी चलाती रहती हूँ। और उनके घर में एक बार भी कोई ना चिल्लाता है, ना गुस्सा करता है, ना कुछ, और पूरा का पूरा घर इतना सुंदर है कि जैसे घर में प्रवेश करो एकदम प्रसन्नता। और उनके घर के तीन पुरुष हैं, पति और दो लड़के, दोनों लड़के WTC जैसे टॉल ह्यूज, और एक को भी गैस जला करके चाय बनाना नहीं आती। नहीं तो जो आप लोग गए होंगे बाकी के देशों में, वहाँ पति का काम होता है बर्तन साफ करना, हर एक घर में वो ट्रेडिशन ही हो गई है।
लेकिन उनके घर में कोई कुछ नहीं जानता, और ये अम्मा दिन भर अपना जो कुछ करना है प्रसन्न आनंद में रहती है। कभी भी जाओ उनके यहाँ, किसी भी समय जाओ, तो कभी भी फ्रिज से खाना निकलता नहीं, ताज़ा रोज का रोज। बोले स्वामी जी, एंजॉय कुकिंग। देखो, यदि स्त्री घर की प्रसन्न रहे ना, तो पूरा घर का माहौल बदल जाता है। देखो, अब दूसरा उदाहरण हम पहले कंस्ट्रक्टिव उदाहरण देते हैं। एक जगह गए, पति है डॉक्टर, पत्नी है नर्स, उनके दो तीन बच्चे हैं। अब ये जो डॉक्टर साहब है, इनको बोलने का रोग है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल चैटर बॉक, बक 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 कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं, और अल्टीमेटली क्या कहना है कुछ समझ में नहीं। कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है, बहुत ही वीकलिंग है। कोई भी चीज करनी हो तो पत्नी डिसाइड करेगी, लेकिन ये बकवास बहुत करेंगे। तो जब मैं उनके पास था, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने मुझे बताया, स्वामी जी आपको एक मैं रिक्वेस्ट करूं, आपके लेक्चर के पहले थोड़ा उनको लेक्चर करने को बताओ, उनको बोलने में बड़ा मजा आता है, तो बोलने दो, क्या बोलती उनको भी पता नहीं चलता, लेकिन उनको लगता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, तो बोलने दो। बोले मैं घर में ऐसा ही करती हूँ, उनको चाबी भर देती हूँ, वो बोलते रहते, मैं काम करते रहती हूँ। देखो, नहीं तो उसको लेकर के झगड़ा शुरू हो जाए। अब ऐसा है ना कि किसके साथ झगड़ा करके कहाँ जाओगे, रहना तो हमको एक ही जगह में है, कितने जगह आप स्थान बदलो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक जगह की बात है, पति पत्नी का कुछ झगड़ा हो गया और निश्चय हो गया कि अब सेपरेट होंगे, तो वो आई मेरे पास, स्वामी जी हमने कहा भाई देखो, मैं तुमको एक विचार करने को कुछ डाटा देता हूँ, फिर डिसाइड करो। तुम सेपरेट होगी, सेपरेट होना ये सॉल्यूशन है कि समस्या है, पहले इस पर विचार करो। करोगी क्या? इवन इफ यू वॉन्ट टू गो विद अदर पर्सन टू गेट मैरिड, कैन यू गारंटी? इसीलिए समझदारी इसी में है कि अगला, समझो कोई व्यक्ति लंगड़ा है, किसी को पोलियो हो गया है, और चलते चलते यदि कोई आदमी गिर गया ऐसा लंगड़ा लूला, तो हम लोग उसके ऊपर हंसते हैं या उसके ऊपर में दया आती है? दया आती है ना। शारीरिक व्यंग को लेकर के समझदार व्यक्ति हंसते नहीं ना। इसी प्रकार से ये पुरुषों को मानसिक व्यंग होता है, दे ऑलवेज वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, आई एम बेटर देन यू। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं आपको ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, देन विल कम टू ए कंक्लूजन। हिमाचल प्रदेश की बात है, वहाँ धर्मशाला जो एरिया है ना, वहाँ एक बार मैं गया था, तो किसी जगह सत्संग में गया, तो पहले लेडीज लोगों ने स्ट्रीट प्ले किया, स्ट्रीट प्ले होता है ना वैसा, स्ट्रीट प्ले ऐसा था कि छोटा सा ऐसा स्टेज बनाया था, सभी औरतें ही सब बनी थी, कोई पुरुष बना, कोई स्त्री बना, कोई जवान बना, कोई बूढ़ा बना, और उधर से ये जो पुरुष जो है ये अपना शराब पी करके, बीड़ी पी करके आते हैं और मारपीट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, बोले स्वामी जी ये हमारे पहाड़ के आदमी लोग ऐसे इरिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द पहाड़ी मैन आर गुड फॉर नथिंग। पूरा गाय भैंस का देखना, खेती करना, बच्चों को देखना, नौकरी करना, सब काम लेडीज करती है, और ये दिन भर अपना हुक्का पीते रहेंगे या दारू पीते रहेंगे या ताश खेलते रहेंगे, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि इनको ये बात मालूम है कि दे आर गुड फॉर नथिंग, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो फिर क्या करेंगे? मैं आदमी हूं, मैं अपनी बीबी के कंट्रोल में थोड़ी हूं, मैं तो शराब पी के जाऊंगा,
और शराब पी करके वो ऐसा काल्पनिक बल निर्माण करते हैं, वास्तविक नहीं होता। जिस व्यक्ति का आत्मबल तगड़ा होता है ना, उसको बाहर से शराब पी करके बल लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जब जब आप देखेंगे किसी भी समाज में, किसी भी घर में समझदारी प्रारंभ होती है स्त्री से, पुरुष से कभी नहीं होती। और जिस घर में समझदारी स्त्री से प्रारंभ नहीं होती, वहां रामायण होता है। अब देखो, अब दूसरा चित्र देखेंगे हम। अब चाहे राम राज्य करे या भरत राज्य करे, इससे वो कैकेयी को या मंथरा को क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसमें ना समझी आई, और उसमें ना समझी आने के कारण उसका प्रभाव किस पर पड़ा? दशरथ महाराज पर। देखो, इसीलिए समझदारी की बात यही है कि वी एज वुमन हैव टू टेक द लीड। ये बात स्पष्ट हृदय में उतार लो। आपने देखा होगा ना देवी का चित्र, काली माता का। एक बार मैं गया था किसी मंदिर में, वहाँ काली माता है करके ऐसी खड़ी थी और पैरों के नीचे शिव जी पड़े हुए हैं। तो मुझे पूछा, स्वामी जी ये हमको समझ में नहीं आता, ये काली माता का चित्र ऐसे क्या है? हमने कहा देखो, काली माता शक्ति है और शिव जी पुरुष है, और उसके बाद ये काली माता के गले में मुंड माला जो है ना, वो 52 होते हैं, 52। इसका कारण ये है कि संस्कृत के जो अल्फाबेट्स है अ आ ई इत्यादि, वो 52 होते हैं। तो जहाँ शब्द है वहाँ प्रकृति का प्राधान्य है, और प्रकृति में ही दोनों है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। शुद्ध परमात्मा में क्रिएशन भी नहीं, डिस्ट्रक्शन भी नहीं। अब जैसे देखो, अग्नि, अग्नि इस लकड़ी को आकार और आधार दे रहा है, लेकिन इसी अग्नि की ये जो दाहिका शक्ति जब प्रकट होगी तो इस लकड़ी का आकार एकदम नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो काली माता का चित्र है, उसमें जब प्रकृति स्त्री जब वो प्रकट हो जाती है, तो उस समय पुरुष या शिव जी जो है वो एकदम अप्रकट रहते हैं। और दूसरा इसका महत्व, काली माता का अस्तित्व शिव जी के सिवा असंभव है, इसीलिए वो आधार है। उस आधार पर काली माता खड़ी है। स्त्री के जीवन का सौंदर्य पुरुष के आधार से होता है। देखो, एक बार की बात है, ऐसी जवान लड़के लड़कियों का ग्रुप था, और मैं उनको यही समझा रहा था कि देखो भैया, आप लोग सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक मूल बात समझो, तब जाकर के जीवन में शांति होगी। फिर मैंने अपने यहाँ का उदाहरण दिया कि यहाँ एक मिसेस कुमार जो किसी बैंक की चेयरपर्सन है, फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया, उनको यहाँ ऑनर किया गया था और मुझे बुलाया था उस समय। तो उनके साथ बात हो गई और फिर उन्होंने अपना लेक्चर दिया प्रोफेशन में वो कैसी बढ़ी। लेकिन उनके बोलने में एक बात 10 बार आती थी, मैं जो भी कुछ हूँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसलिए हूँ, हर बार। अच्छा, उसका सब होने के पश्चात क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में किसी को प्रोफेशन का इंटरेस्ट नहीं, आपके घर की स्थिति क्या रही उस समय, हाउ आर यू एबल टू मैनेज एटमॉस्फेयर एट होम। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई, बोले मुझे एक बात पक्की याद है और उसको मैंने हमेशा पकड़ के रखा। मेरी माँ ने कहा था, कभी भी अपने पति के आगे कदम मत रखना, यू मस्ट बी अ फॉलोअर।
और वो मैंने हमेशा किया है। इसके कारण क्या है, उनको अपना स्थान है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जीवन इसको कहते हैं, कंपटीशन करने में नहीं है। अभी मैं गया था एक जगह में, उस लड़की को मैं जानता हूँ जब वो सातवीं आठवीं क्लास की थी। अब उसकी शादी हो गई, किसी दूसरे देश में गई। उसने कहा स्वामी जी आप मेरे घर में आएंगे और कहीं नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुम इतनी कह रहे थे आ जाऊँगा, तो मैंने दूसरी जगह का कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि ये लड़का लड़की है, अभी अभी शादी हो गई है, 6-8 महीने हो गए, तो मैं गया वहाँ। जैसे घर में गया, अरे राम राम राम, ऐसे लगा कि बिहार के थर्ड क्लास के वेटिंग रूम में गया। इतना गंदा, अरे राम राम। रात को कोई 10-11 बजे पहुंचा। पहुंचने के मैंने बोला कि मैंने फ्लाइट में खाना खा लिया है, खाना खुना कुछ खाना नहीं, अब मुझे सोना है, मैं टायर्ड हो गया हूं, बिकॉज आई केम वेरी लॉन्ग फ्लाइट, 10 घंटे की फ्लाइट से आया था। तो सो गया, फिर सुबह हमेशा की तरह मैं 4 बजे उठ गया। उठने के बाद मुंह बुझ होकर के चाय पियेंगे, सुबह उठ के मैं चाय पीता हूँ। तो मैं किचन में गया, पूरे किचन में इतने सारे हफ्ते दो हफ्ते के बर्तन सब इकट्ठे हो गए हैं, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई। जब मैंने देखा बाप रे, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, प्रेम विवाह है, इतना गंदा। तो फिर मैंने अपने बाहें संवारी और पूरा साफ कर दिया, सब बर्तन और पोछा लगाना क्लीन एंड नीट। तब जाकर के हाँ, फिर मैंने एक बढ़िया चाय बना के पी ली। फिर ये जब उठे, उठने के बाद स्वामी जी आपने क्यों किया, हमने अच्छा नहीं हुआ क्या? बोले नहीं स्वामी जी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम तो दोनों ही नौकरी करते हैं, तो मैं ही क्यों साफ करूँ, ये क्यों नहीं साफ करता? हमने कहा तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो मैंने किया है। तो बोले आपने क्या उत्तर दिया? हमने कहा देखो मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ ना, इसलिए यहाँ आया हूँ। हाँ ना, जब प्यार होता है ना तब गणित नहीं होता। हमने कहा तुम हिंदुस्तान में आओ, हम स्वामी हैं, हम अपने हाथ से ग्लास नहीं उठाते, लोग हमको हाथ में देते हैं। यहाँ हमने तुम्हारे पूरे बर्तन साफ किए, टॉयलेट साफ किया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, ये किस लिए? क्या मुझे तुमसे कुछ पैसे मिलने हैं? तो जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ गणित नहीं होता। तुम कहती तो हो आई हैव फॉलन इन लव, यू हैव ओनली फॉलन, देयर इज नो लव। देखो तो स्त्री को ये पहले अगवानी करनी है, फिर देखो घर में कितना आनंद रहता है। लेकिन ये बात जब समझ में नहीं आती ना तब केवल झगड़े होते हैं। इसीलिए पहला सिद्धांत, हमेशा यू रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी एंड डू इट ऑफ योर ओन। वो क्यों नहीं करे, मैं क्यों करूं, इससे कुछ नहीं होता। और जब आप धीरे धीरे ये सब करने लग जाओगे ना तो देखेंगे मालूम है क्या होगा, यू विल हैव नो टाइम। और जिसके पास जितना कम समय होता है ना उतना वो मस्त रहता है। आप देखेंगे जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री देखी टीवी पर आ रही थी, ब्लैक डॉग इंस्टीट्यूट, और वहाँ डिप्रेशन के ऊपर में आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें बताया कि कैसे कैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और उसका बड़ा उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस किया, सब कुछ किया। उसमें से एक बात जो मुझे जची वो ये थी कि जितने लोग वहाँ के गवर्नर थे एक किसी स्टेट के, उन्होंने अपने गवर्नर की पोजीशन से रेसिग्नेशन दे दिया। कारण क्या? बिकॉज आई एम डिप्रेस्ड। यू कैन इमेजिन, अपने यहाँ का कोई नेता डिप्रेशन होकर करेगा क्या? हमको सबको डिप्रेस करके रख देगा, उनको कुछ नहीं होता ना? तो ये सवाल आया कि ये डिप्रेशन क्यों आता है।
तो उसके अनेक जो कारण उन्होंने ढूंढे उसमें से एक कारण ये निकला कि वहाँ फैमिली यूनिट नाम की वस्तु नष्ट हो गई है। वहाँ पेट्स को बच्चों के जैसा पाला जाता है और बच्चों को पेट्स के जैसा पाला जाता है। सी, तब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, उनको जा करके किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज द मदर इज बिजी विथ ए फिशिंग रॉड टू हुक अनदर मैन। बच्चे के प्रति टाइम कहाँ है देखो। और भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन यही समस्या कहता है, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरहा। जिस समाज में स्त्री दुष्ट हो जाती है वो समाज का सत्यानाश होता है। देखो, इसीलिए स्त्री एक ऐसी शक्ति है, यदि वो डिसाइड करे तो घर का स्वर्ग हो सकता है या घर का नरक हो सकता है। और इस स्वर्ग नरक में रहने वाले ये बिचारे आदमी फर्नीचर के जैसे रहते हैं, और उनको फर्नीचर के जैसे ही रहने दो। देखो, अपने अहमदाबाद की बात है, मुझे याद नहीं अब कौन लड़की थी, वो कहाँ थी, मुझे लगता है 8-10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की। कोई तो भी एक लड़की थी, उनके यहाँ मैं गया था खाना खोना खाने, तो उसके पिताजी ने कहा, स्वामी जी देखो ना, ये शादी नहीं करती, अब क्या करें। और वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, MBA किया हुआ, उसके बाद उसने अपनी इंडस्ट्री चलाई, ईयरली टर्नओवर इन क्रोर्स, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड यंग, 26-27 ईयर्स। अब शादी नहीं हो रही, तो मैंने कहा, पापा आप समझते नहीं हो, उसको योग्य लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। तो वो एकदम, देखो स्वामी जी को समझता है, पापा आपको, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई सेड लेट मी फिनिश, आई नॉट कंप्लीटेड। फिर मैंने उसको कहा कि देखो पापा, वो क्या चाहती है, वो चाहती है लड़का इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लड़का इससे ज़्यादा खूबसूरत हो, लड़का इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लड़का इससे ज़्यादा पैसे कमाने वाला हो, और वो इसकी बात माने, जिसके बाद पहली चार बातें होगी, पांचवी बात नहीं होगी। और इसीलिए ये वेट कर रही है ऐसे स्पेसिमेन को उतरने के लिए। ऐसे कभी नहीं होता जीवन में, जो है ना, हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये कॉम्प्रोमाइज का इनिशिएशन किसको करना है, द वन हु इज अ क्रिएटिव फोर्स, नॉट ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। देखो, और यदि क्रिएटिविटी इज द क्रीड ऑफ वुमन, देन स्काई इज द लिमिट। और इसीलिए अपने इस शक्ति को प्रकट करके वी हैव टू बी ए क्रिएटिव फोर्स। ये निर्णय प्रत्येक स्त्री को अपने जीवन में अपने लिए लेना है। देखो, आज पूरे वर्ल्ड में हम घूमते हैं और वहाँ के हर एक प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहे, अपने NRI के साथ रहे, NRI के जैसे दुखी दरिद्री जगत में और कोई नहीं है। अभी मैं कहा था, एक सरदार जी के यहाँ रहता था, सुबह गया, दिन भर रहे, फिर रात को वापस आ गया ऑस्ट्रेलिया में। तो वो हमारे बड़े अच्छे मित्र, तो बोले, स्वामी जी मेरा तो आज दिन भर का बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, शाम को आ जाऊँगा। हाँ, तुम चले जाओ, जब तक मुझे तुम्हारी बीबी खाना देती है और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने खाना वाना खा लिया, आराम किया दोपहर को, फिर 3 बजे उसका लड़का स्कूल से आया, लड़का होगा कोई 10-12 साल का, 14 साल का, बड़ा फुल ऑफ लाइफ। तो हमने फिर एक बॉल लिया और घूमने निकल गए, चलो हम बॉल लेके घूमने चले जाएंगे। 1 घंटा गए,
समुंदर के किनारे वहाँ खेले वगैरह वापस आ रहे थे। हमने कहा भाई तू स्कूल में जाता है यहाँ किसी के साथ झगड़ा होता है क्या? झगड़ा जरूर होता है, वो हमको इड्डिन कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। फिर तुम लड़ते हो क्या? बोले नहीं, उनके सामने मैं टिकता नहीं। फिर क्या करते हो? बोले मैं उनको सबको भिड़ा देता हूँ और दूर से देखता हूँ। बड़ा इंटेलिजेंट लड़का। और उसके बाद ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि तुमको यहाँ कैसे लगता है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि वो लोग अभी गए पिछले 5-4 साल से। बोले स्वामी जी मैंने एक देखा है, कितना ऑब्जर्वेशन देखो उस बच्चे का, एक देखा है, जब हम यहाँ होते हैं ना तब मम्मी डैडी इंडिया की बात करते हैं, और जब हम इंडिया जाते हैं ना तब यहाँ की बात करते हैं। माने दोनों जगह में नहीं होते वो, एक छोटा सा बच्चा समझता है देखो। क्योंकि हम चाहते क्या है? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जहाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहाँ इंट्राफ्रैक्चर होता है, अंदर में गड़बड़ी गड़बड़ी है। इसीलिए आप चले जाओ इस पाश्चात्य संस्कृति में, वहाँ स्त्री का स्वातंत्र्य इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्त्री का घर है ही नहीं, शी इज ऑलवेज ऑन द रोड्स। सी ए वुमन हु डजंट हैव अ लीगल एड्रेस इज टेकन फॉर ए राइड बाय एनी टॉम डिक एंड हैरी। देखो संतो, दैट इज वाई देर इज नो कॉम्पिटिशन, ऑन द कॉन्ट्री इट इज अ सपोर्ट। मेक ए फूल ऑफ ए मैन एंड मेक यूर लाइफ डिसेंट। लेकिन वहां जाकर के हम झगड़ा करते हैं और पूरा जो अपना क्रिएटिव फोर्स है उसको हम गलत रास्ते से ले जाते हैं। अब ये होने के बाद अब क्रिएटिविटी की फील्ड क्या है इस पर हमको ध्यान देना है। देखो पिछले बार जब हमने मदर्स का वर्कशॉप किया था तब हमने ये बात बताई थी, स्त्री के जीवन में परिपूर्णता, और वैसा देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में परिपूर्णता कब आती है इस पर विचार करें। ध्यान से सुनना, एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ फिर उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। एक बार मैं किसी के यहाँ गया शाम के समय खाने के लिए, तो हमने कहा भाई तुम्हारी कन्या कहाँ है? बोले स्वामी जी वो ऊपर के कमरे में है, मेरे से गुस्सा हो करके बात नहीं कर रही। मैंने मैं इसको मनाऊँ? बोले दूर से मनाना, ये अमेरिकन बच्चे हैं उल्टी सीधी बात कर देते हैं तो बुरा मत मानना। यार ठीक है। और ये बिचारी शी इज़ एनेस्थेशियोलॉजिस्ट और खाना बना रही थी हमारे लिए, और हम गए ऊपर। हमने कहा कन्या कैसी हो क्या हो? आई एम ऑल राइट। हमने कहा तुम्हारे शब्दों से तो अर्थ ये निकलता नहीं, आई एम ऑल राइट, ऐसा कोई बोलता है क्या? यू टेल योर मॉम 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 आई एम डैम फेड अप। मैं क्या हो गया? फिर गुस्सा, मैं ये करना चाहती थी वो नहीं करने दिया। She just doesn't like me, you know, conclusion. तो मैंने कहा तुम जाकर के मम्मी से एक प्रश्न पूछो। तो क्या प्रश्न पूछूं? अरे ये पूछना कि जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो उसको खुशी मिलती है क्योंकि वो डॉक्टर है, और जब वो थक के आती है और तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाती है और गरम गरम फुलका बना करके तुमको खिलाती है तब उसको जो खुशी होती है, इन दो खुशियों में ज़्यादा खुशी किस में होती है? जाके पूछो माँ को। आई नो द आंसर, आई सेड यू डोंट गिव द आंसर, यू आस्क हर। तो जाके पूछी, जैसे पूछा उसने कहा ये तुम्हारा प्रश्न नहीं हो सकता, आई विल नॉट रिप्लाई। बोले हाउ डू यू नो? यू कैनॉट थिंक लाइक दैट। सी फिर मैंने उसको कहा कि देखो स्त्री के जीवन की परिपूर्णता, फुलफिलमेंट व्हाट वी कॉल, इज ओनली इन मदरहुड। देखो जितनी भी स्त्री की मजाक उड़ाई जाती है ना वो माँ के रूप में कभी नहीं उड़ाई जाती। स्त्री की मजाक उड़ाई जाती है पत्नी के रूप में। देखो जैसे किसी ने पूछा
ए तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, चेहरा ही वैसा है। माने शादी के बाद आदमी का चेहरा ऐसा हो जाता है कि ही कैन नॉट बी सीन हैप्पी। लेकिन कोई भी स्त्री को मां के रूप में मजाक का विषय कभी नहीं बनाता। इसीलिए जब हम स्त्री की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, तब हम स्त्री को किस रूप में पहले स्वीकार करते हैं इसको समझ लो। मेक इट वेरी क्लियर। पत्नी के रूप में स्त्री भोग्य वस्तु होती है और मां के रूप में स्त्री योग्य वस्तु होती है। ध्यान से सुनना, आप सभी माताएं हैं, शादीशुदा है, मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन एक सिंपल बात है, पत्नी के रूप में आपका जो भोग्य वस्तु होना, इट इज जस्ट ए टेम्पररी फेज ऑफ योर लाइफ। लेकिन आप मां के रूप में ये योग्य रहती है, ये अखंड है। देखो, इसीलिए यह जो स्त्री का जीवन है, ये भोग्य के रूप में रहने के लिए है कि योग्य बन करके रहने के लिए है। अब आप देखेंगे हिस्ट्री से दो चार उदाहरण। शिवाजी महाराज को मां भी थे, पिताजी भी थे। उनके पिताजी वो मुगलों के गुलाम थे, उनकी नौकरी करते थे। लेकिन उस छोटे बच्चे में से इतना बड़ा क्रांतिकारी पुत्र निर्माण करने की क्षमता पिता में नहीं थी, पर उनके मां में ही थी। देखो, इसीलिए जब स्त्री निर्णय लेती है, एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वुमन, इफ शी कैन bring up one ideal child that will take care of the next generation. लेकिन ये करने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक चीज की, woman is another name of sacrifice. देखो, अभी मैं वहां था, ऑस्ट्रेलिया से वहां से आ रहा हूं। एक अंग्रेज कपल हमारा बड़ा प्रेमी है, पति पत्नी दोनों, तो कई सालों से वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है। बहुत उन्होंने योगा किया, फिर वहाँ भी उनको कुछ मज़ा नहीं आया, तो कैसे तो भी वो हमारे लेक्चर में आए, सुने, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, वी हैव डन दिस थिंग दैट थिंग, बट वी आर नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ फुलफिलमेंट, कैन यू टेल अस समथिंग? आई सेड, इफ़ यू आर गोइंग टू लिसन आई विल टेल। नो नो, वी विल लिसन। आई सेड, यू आर मैरिड? ही सेड यस। I said, then first produce a child, first requirement. उससे क्या होगा? हमने उससे ये होगा कि तुम्हारा एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण और हेट्रेट है, दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। फिर दोनों का कॉमन पॉइंट होगा बच्चा। Then he will no more look at you as a wife and you will no more look at him as a husband. But both of you will now become parents. And when a woman or a man become parents, evolution begins. तो बोले स्वामी जी, ये तो हम कितने महात्माओं के पास, किसी ने हमको नहीं बताया। हमको सब यही कहते थे कि नॉन वेज मत खाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, और ये ऐसा बैठो वैसा बैठो। हमने कहा भाई, मुझे वो कुछ आता नहीं, मैं अपना सिंपल हूँ, स्ट्रेट हूँ। यदि शादी करी है तो बच्चे पैदा करो और अपने जीवन में परिपूर्णता का अनुभव लो। फिर उन्होंने निर्णय ले लिया और एक लड़का उनको हो गया। अब फिर दूसरे साल जब मैं गया तो उनका लड़का कोई था, कोई 5-6 साल का, बहुत प्यारा, वेरी स्वीट चाइल्ड। तो गया उसके पश्चात, अब पहले जब बोलती थी वो तो योगा, हस्बैंड, प्रोफेशन। इस समय जब मैं गई तो ओनली वन टॉपिक, ओनली सन सन सन, दूसरा कोई टॉपिक नहीं। फिर मुझे कहे, स्वामी जी, आपने जो बताया था अब मुझे समझ में आया, हमारे पूरे जीवन में चेंज आ गया है।
ये चेंज किसके कारण आया? केवल स्त्री ने जब मातृत्व को स्वीकार किया तब। देखो कितना फर्क है। इसीलिए स्त्री को केवल भोग्य वस्तु बनकर के जीवन भर नहीं रहना है, देन ओनली वी कैन ग्रो। जहां जहां झगड़े होते हैं ना, वो इसी को लेकर के होते हैं। यू कैनॉट कंटिन्यू टू बी इन KG1 क्लास थ्रू आउट योर लाइफ। देखो, तो अब वो मुझे अपने लड़के के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी सी यू नो वी वॉन्ट टू पुट हिम इन द सेपरेट बेड, यू नो वी मेड इट, बट ही क्राइज एंड ऑल दैट, एंड आई डोंट नो वॉट टू डू, एंड आई एम वेरी फेड अप एंड ऑल दैट, यू नो प्लीज एडवाइज मी। आई सेड ओके, लिसन, वेन यू गो टू स्लीप, यू स्लीप टूगेदर यू एंड यूर हजबेंड, इन बिटवीन कीप द चाइल्ड। स्वामी जी, दिस फेलो विल किक मी होल नाइट एंड ही विल डू पीस एंड एवरीथिंग। आई से देन यू हैव टू सस्टेन दैट, इज नो चॉइस। हमने कहा देखो, पहले 5-7 साल तक जब बच्चा माँ बाप के फिजिकल कॉन्टैक्ट में होता है ना, तभी उसमें प्रेम जागृत होता है। तुम लोग कुत्तों को तो 24 घंटे चिपक के रखते हो और बच्चे को वहां क्रैडल में सुलाते हो, ये कौन सी फिलॉसॉफी है? बट देन यू नो माय होल स्लीप विल बी डिस्टर्ब। आई सेड यस, यू डोंट स्लीप एट होम, व्हेन यू गो टू वर्क इन द ऑफिस यू स्लीप देयर। आई सेड इंडिया पीपल डू लाइक दैट ओनली। ये टेररिस्ट लोगों को बुरा कहे, लेकिन उनका जो सेक्रीफाइस और कमिटमेंट है कॉज के लिए, इट इज अनपैरेलल। उनको कहना तो बहुत आसान है कि वो खराब है, लोगों को मार देते हैं, लेकिन कम से कम वो अपना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और बाकी के अपने जितने सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस है, जिंदा भी रहते हैं और सबका खून भी चूसते हैं, दोनों भी करते हैं। तो हु इज अ रियल टेररिस्ट? दे आर नॉट, दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर समथिंग ग्रेट, इज इट नॉट? तो जहां जहां कोई भी अचीवमेंट की बात करो, चाहे कंस्ट्रक्टिव फील्ड रहे चाहे डिस्ट्रक्टिव फील्ड रहे, व्हाट वी डिमांड इज द रेडीनेस एंड द एबिलिटी टू सेक्रीफाइस। अभी आजकल ये जो मिस्टर महाजन के वो चल रहा ना, आज के पेपर में पढ़ रहा था मैं, उनकी जो माँ है वो उसको पहचान, और पहचानने के बाद अब उस शक्ति को प्रकट करना है। अब प्रकट करने के लिए दो मार्ग है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। और यदि कंस्ट्रक्टिव करना है तो उसके लिए पहली स्टेप, यू हैव टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी। यू कैनॉट हैव ए ग्रूजी फेस, यू कैनॉट हैव कंप्लेन्स, यू कैनॉट हैव कंपैरिजंस। एक औरत का मुझे 3-4-6 बार ईमेल आया, अब वो सेपरेट हो गए हैं, और फिर लेटेस्ट में उनको मिला हूँ, तो पहले तो कभी देखा नहीं था कौन है क्या, ईमेल से चलता था। तो उसका यही था कि मैंने ये किया, उसने ये किया, अब बताइए स्वामी जी कौन ठीक है। पहले बार, दो बार, तीन बार हुआ, तो मैंने उसको कहा देखो तुम कभी कहाँ की हो? बोले मैं ऐसे ऐसे देश की हूँ, हिंदुस्तान में आती हो क्या? बोले हाँ आती हूँ। या तब मुझे मिल लेना। फिर आई बम्बई में, मुझे मिली, मिलने के बाद फिर वही, उन्होंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? हमने कहा देखो अम्मा, तुम मेरे सामने हो तो मुझे प्रोटेक्शन के लिए मैं यही कहूँगा तुम ठीक हो, लेकिन उससे कुछ निकलेगा नहीं। ये जो इंक्वायरी है ना कि कौन गलत है कौन ठीक है, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। विचार ऐसा करो कि समस्या गल जाए, समस्या को तगड़ी नहीं बनाना। लेकिन उसके दिमाग में ऐसी बात फिट हो गई थी कि यदि मैं ठीक हूं तो वो बदले। हमने कहा दूसरों को भगवान भी नहीं बदल सकते, और हम चाहते हैं हमारे पति बदले, ये कभी नहीं होगा। देखो, तो एक ही बात है, अपने जीवन में ये निर्णय ले ले कि हमको जीवन में अब एक बार आ गए हैं ना, अब कैसे रहना है।
मस्ती से रहना है कि जिंदगी भर रोते रहना है. एंड देन दिस कैरेक्टर वी डेवलप बाय प्रैक्टिस. देखो, और ये कैरेक्टर बचपन से डेवलप होता है. कई बच्चों को कंप्लेन करने की आदत होती है और फिर खाते जाएंगे. मत खाओ ना, फिर डोंट कंप्लेन. इसीलिए अब यह कंस्ट्रक्टिव फोर्स को जागृत करने के लिए फील्ड क्या है? फील्ड है अपना घर. देखो, कल्पना करो, यदि प्रत्येक स्त्री अपने घर गृहस्थी को, घर को एकदम सुंदर बना के रखती है तो पूरा समाज अपने आप बन गया ठीक. और संस्कृति, सौंदर्य, ये सभी के सभी चीजें जो है ना, वो स्त्री के पास है. और ये तो भगवान की बड़ी देन है. इसको पहचानना है और फिर अपने जीवन में लगाना है. एक बार कहीं मैं बात कर रहा था लेक्चर के बाद, अपने एक एनआर आए, इतनी गुस्सा करके, स्वामी जी यू आर बायस, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट लेडीज शुड डू, यू नेवर टेल अबाउट व्हाट जेन शुड डू. आई सेड, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू जेंट्स आर गुड फॉर नथिंग, इज इट नॉट इनफ. बोले लेकिन वो इतने बेवकूफ क्यों होते हैं? हमने कहा वो बेवकूफ होते हैं ना इसीलिए शादी करते हैं. समझदार होते तो कोई नहीं शादी करता. देखो मैंने शादी कहाँ करी. अब वो बेवकूफ है तो ठीक है, अब निभा लो ना, झगड़ा करने से कुछ नहीं होता. और धीरे 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 ये बात निश्चित हो गई, अब हमको जीवन में आनंद से क्रिएटिव फोर्स बन करके रहना है. तो फील्ड क्या हो गया? फील्ड हो गई अपनी घर गृहस्थी, और अपने घर गृहस्थी में अपने बच्चे. देखो, आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा, आप जब भी बच्चा घर आता है बाहर से, ही डजंट वॉन्ट एनीथिंग एक्सेप्ट मॉम इज देयर इनफ, दैट्स इट. दो क्षण भी घर में नहीं रहेगा, फिर निकल जाएगा. लेकिन उसको एक इतना आधार होता है, जब मैं घर आता हूं मम्मी है और कुछ नहीं है. व्हाट ए बिग सपोर्ट. नहीं तो दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं पाश्चात्य देशों में, अपने यहां के भी, उनके गले में, उनको कहते हैं चाबी बच्चा, उनके गले में चाबी होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुम देता है, उसको चाबी ला देते. ऐसे मंगलसूत्र होता है ना, चाबी होती है. घर जाने के बाद वो अपना खोलेगा, फिर वहाँ रहेगा अपने, फिर वही अपना टीवी देखेगा, उल्टी सीधी बात करेगा, खाएगा खोएगा वगैरह. और फिर धीरे 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 बस तुम तुम्हारा जियो, हम हमारे जीते हैं. एक ही घर में होते हुए भी फिर एक दूसरे के साथ कोई रैपोर्ट नहीं होता. देखो, इसलिए भैया यह जो स्त्रीत्व प्रभु ने प्रदान किया है, ये बहुत बड़ी भगवान की देन है. इसको आप तुच्छ मत समझ लेना. जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना आपके, तब आपके मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगा. व्हाई देर शुड बी नो इक्वालिटी. अब उदाहरण, इक्वालिटी का उदाहरण देता हूँ. एक बार किसी दूसरे देश की बात है, कोई स्पिरिचुअल ऐसा कोई फंक्शन था, तो वो जो पति देव थे वो हमारे बड़े प्रेमी थे, और पत्नी को इन सब चीज़ों में मजा नहीं आता था, वो अपनी हाई फाई ब्रांड थी. तो वो जब हम लोग जा रहे थे मंदिर में, तो वो अपना स्कर्ट स्कूट करके, मिनी स्कर्ट पहन करके अपनी आई. तो उसके पत्नी ने कहा, देखो हम लोग किसी मंदिर में जा रहे हैं तो तुम जरा साड़ी बीड़ी पहनो ना, ये अच्छा नहीं लगता. व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा. मैं स्वामी जी कैसे समझाऊँ इसको? हमने कहा बट व्हाट्स रॉन्ग, शी इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, बट यू नो शी शुड पुट ऑन, यू नो एटलीस्ट यू नो द फेमिनाइन ड्रेसेस, इट इज अ मैस्कुलिन ड्रेस शी इज पुटिंग ऑन, बट व्हाट्स रॉन्ग, मैन एंड वुमन इज इक्वल, शी सेड. मैंने ठीक है. फिर बाद में मैंने इस लड़के को बुलाया, हमने कहा ऐसा कर तू अंदर जा, बताना मत मैंने बताया करके, अंदर जा साड़ी पहन के आना, यहाँ सलवार कमीज पहन के आना और चले जाना. फिर उसने कहा, अंदर गया
और सलवार कमीज पहन करके आ गया भाई. ही व्हाट यू हैड डन मैन, व्हाई मैन एंड वुमन इज इक्वल. अब ध्यान से सुनो, आपको कभी ऐसा अच्छा लगेगा क्या कि आपका पति या आपका लड़का या आपके पिताजी स्त्री के कपड़े पहन करके चले आपके साथ? तो जैसे आदमी को आदमी बन करके रहने में ही उसकी अस्मिता है, सौंदर्य है ना, इसी प्रकार से इसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं है. देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. लेकिन हम सोचते हैं ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये बेवकूफी है. इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग. इसीलिए जैसे है ना कि आंखों ने अपनी जिह्वा के साथ कभी कंपटीशन नहीं करनी चाहिए. यदि आंखें कहने लग जाए कि ये क्या है, बढ़िया बढ़िया खाना आता है, मिर्च मसाले अचार पापड़ और सब कुछ, और ये जिह्वा ही खाए जा रही है, मैं सिर्फ देखते रहता, मुझे कोई नहीं खिलाता, अच्छी बात है, अगली चटनी लगा. कोई कंपटीशन है? नो. हर एक का अपना अपना रोल है. यू प्ले योर रोल एंड बी हैप्पी. बाउंड द बॉटम लाइन इज दिस. और जब आप अपने जीवन में इस प्रसन्नता को लेकर के चलोगे ना, तो आप में जो सुप्त शक्तियां है वो प्रकट होने लगेगी. नहीं तो ऐसा ही होगा. किसी ने कहा शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है. किसी ने कहा कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है. लो, हमने शादी क्या की, स्वर्गवासी हो गए. स्वर्ग में वास करने वाले स्वर्गवासी. ये कोई जीवन है नहीं. इसीलिए अब यह जो क्रिएटिव फोर्स है, इस क्रिएटिव फोर्स को हमको फील्ड क्या हो गया, अपना घर गृहस्थी और अपने बच्चे. नाउ आई एम टेकिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. अब बच्चों को लेकर के यह दूसरा चैप्टर स्त्री के जीवन में एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में प्रकट होता है. अब ये बच्चों को लेकर के क्या हम क्रिएटिव फोर्स में रहते हैं या डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, और इसके लिए अब दूसरा विषय ये होगा कि हम अपने जीवन में यदि एक बच्चे को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में बड़ा करते हैं तो अपना जीवन परिपूर्ण हो गया. देखो, एक कल्पना करो. आप समझो स्वामी विवेकानंद के माँ को जाके मिले, कल्पना करो. और मिलने के बाद आपने उनसे कहा कि अम्मा हमको वो स्वामी विवेकानंद के माँ को मिलना है. बोले क्यों? नहीं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को इतना बढ़िया पुत्र दिया, जिसने इतना दुनिया का भला किया है, तो हम उनको जाकर के उनसे कुछ सीखना चाहते हैं. ऐसी बात जब विवेकानंद की माँ अपने बच्चे के बारे में किसी अनजान व्यक्ति के मुख से सुनेगी तो उसको अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आएगा ना. देखो, इसलिए जीवन में जो परिपूर्णता है, कृतकृत्यता है, वो इसमें है. यू हैव टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड इन अ वे दैट ही इज एन एसेट टू द सोसाइटी. यदि केवल अपने में ही लगे रहे, मुझे क्या मिलेगा, ये भोग वाली स्त्री का लक्षण है. मैं क्या दे सकती हूँ, यह योग्य स्त्री का लक्षण. मिलने की बात तो कोई भी करता है. एक छोटे बच्चे ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप कहते हो अपने दिल में भगवान होता है और हम भी अपने ही दिल में रहते हैं, तो कैसे पता चले कि हम काम कर रहे हैं कि भगवान काम कर रहा है? तो समझो मैंने जाके किसी को मार दिया और कह दिया भगवान ने मारा, मैंने थोड़ी मारा. तो बढ़िया इंटेलिजेंट क्वेश्चन था. तो हमने कहा देखो उसके लक्षण होते हैं. क्या लक्षण होते हैं?
जब कोई वस्तु हमको मिलती है और खुश होते हैं ना, तब हम काम कर रहे हैं। जब कोई वस्तु हम किसी को देते हैं और देने के बाद जो खुशी होती है ना, वो प्रभु प्रकट हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में जीवन को भोग प्रधान बनाते हैं, तब हम स्त्री का डिस्ट्रक्टिव रूप धारण किए हैं, और जब हम अपने आप को योग्य बनाते हैं, तब हमने कंस्ट्रक्टिव रूप धारण किया है। अब ये कंस्ट्रक्टिव रूप धारण करने के पश्चात अनेक सवाल आते हैं, तो क्या हमको जिंदगी में घर में ही बैठ के रहना है, बाहर जाके नौकरी नहीं करनी है, क्या हमको हमेशा सबॉर्डिनेट होकर ही रहना है? अनेक प्रश्न आपके सामने आएंगे। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इंडिविजुअली वर्कआउट करने पड़ेंगे। देयर इज नो थंब रूल, यू हैव टू वर्कआउट, यू हैव टू फिक्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रायोरिटीज, और उसमें जब प्रायोरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो गई, उसके बाद देखो आप अपने ही जीवन में ये सब चीज बना सकते हैं बढ़िया। जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था कि वो जो हमारी अम्मा है, पति कमाते हैं, ये अपना घर गृहस्थी को चलाती है, ध्यान धारणा करती है, प्रसन्न रहती है, घर में एकदम आनंद ही आनंद है। अब ये आपको चित्र अच्छा लगता है कि जो कॉन्स्टेंटली यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, थके आ रहे हैं, और फिर आप मैं क्यों करूँ, उन्हें भी करना चाहिए, वो थक गया क्या, तो मैं थक के नहीं आई क्या, फिर क्या मैं आदमी नहीं हूँ क्या, वहाँ और फिर पूरा किचन भरा है स्वामी जी को बुलाओ सेवा करने के लिए। नाउ टेल मी आउट ऑफ दिस टू पिक्चर्स विच इज द क्रिएटिव वन। और जब मैं उनके बड़े बच्चों को देख रहा हूँ, एक इंजीनियर हो गया और दूसरा अभी 12th में है, हमने कहा अम्मा ये तो तुम दोनों से भी लंबे हो गए। और हाँ स्वामी जी, अरे तुमको कैसा लगता है? तो बोले स्वामी जी पता नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ पाना था तो पा लिया है। अब मेरे मन में ये शंका डाउट नहीं रहेगी कि मैंने अपने बच्चों की बचपन में देखभाल नहीं करी, उनको ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि माँ ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे पति को ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि मैंने घर गृहस्थी ठीक नहीं संभाली, और इसीलिए मेरे तरफ से जो करना था वो मैंने पूरा कर लिया है। अब इसके आगे जो अच्छा बुरा होगा वो प्रभु इच्छा, लेकिन एज रिगार्ड आई एम कंसर्न आई एम एट पीस। देखो कितनी उम्र है उसकी, 50 साल की। उस 50 साल की उम्र में नॉर्मली स्त्री जो होती है ना, आप सब जानते हैं कितना, दैट इज द जंक्शन ऑफ हर लाइफ। इधर से उनका ये रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म होने आता है, उधर से बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज में चले गए, सास ससुर का चक्कर और पति का उल्टा सीधा व्यवहार, ऑफिस का ये पैसे का चक्कर, कौ ऐसे लगता है कि पोल्ट्री फार्म शुरू हो गया है। और इसीलिए पूरा अपने जीवन को पूर्णता से देखो, और फिर ये कैसे करना और इसमें क्या समस्या है और इन समस्या का हल हमको कौन देगा, यानी एक प्रश्न है। इस प्रश्नों को हम अगले सत्र में लेंगे। इसके बाद आप लोगों को चाय भी मिलेगी क्या? तो शायद हमको भी मिलेगी, और फिर हम लोग चाय के बाद एक वर्कशॉप जैसा करेंगे, और उसके बाद आज की छुट्टी होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।